दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोर्सेज, कॉलेजेस लिस्ट, प्लेसमेंट क्या होती है और सीयूईटी स्कोर कितना रिक्वायर्ड है। और सबसे मेन बात काफी बच्चों को जो खटकती है कि सीयूईटी स्कोर 200 के अराउंड है तो क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और मिलेगा तो वो कौन से कॉलेजेस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ डेडिकेटेडली बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो एंड तक जरूर देखना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो भी बीएससी करना चाहते हैं। बीकॉम और बीए के लिए भी वीडियो लेटर ऑन आने वाली है। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीसीबी कोर्सेज की। तो पीसीबी के कोर्सेज यहाँ पे 10 से 12 हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आपका आता है बीएससी जियोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी लाइफ साइंसेज और बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंस बीए कॉलेज के अंदर, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी फूड टेक, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोमेडिकल, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस और बीएससी जियोलॉजी। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीसीबी के कुल कोर्सेज। इसके अलावा यार बीएससी जियोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज और बीएससी केमिस्ट्री, ये चार ऐसे कोर्सेज हैं जो पीसीबी में सबसे कॉमन है। मतलब बच्चे मोस्टली इन्हें चूज करते हैं और दूसरे जो कोर्सेज बच जाते हैं जैसे फूड टेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल है, बायोलॉजिकल साइंस है, ये बस 1, 2, 5, 6 इन्हीं कॉलेजेस के अंदर है। मतलब बहुत ही कम कॉलेजेस के अंदर है, सीट्स बहुत कम है, जिनकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि सीट्स कम है, इसलिए जो स्कोर है 600 में से 500 इनका जाता है, हाई स्कोर जाता है इन कोर्सेज का सर, ठीक है। इसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीएससी जियोलॉजी, लाइफ साइंस, ये जो है इनका स्कोर मैं आपको बताऊंगा। बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंस का इनमें लीस्ट स्कोर रहता है, और पीसीबी वालों के लिए खाली 600 में से स्कोर काउंट होगा पीसीबी का। नो जनरल टेस्ट, नो लैंग्वेज। सेफ स्कोर की बात करूं बीएससी जियोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज के लिए, तो सेफ ब्रैकेट यार आपका होगा 400 से 300 के बीच में। 400 से 300 के बीच में जितने भी आपके जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस का रामदेस कॉलेज है, एसटीबी खालसा है, इस तरह के जो कॉलेजेस है, वेंकटेश्वर है, उनके लिए जो आपका सेफ स्कोर होगा ना वो 400 के अराउंड में रहेगा, और 300 तक भी नंबर है तो भी आपको इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, इससे कम में भी मिलेगा, बट ये आपका सेफ ब्रैकेट है एक डिसेंट कॉलेज में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब मैं बात करूं पीसीएम वालों के लिए, तो पीसीएम वालों के लिए जो कोर्सेज है वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ये तीन तो है ही। इसके बाद आता है बीएससी प्रोग्राम, जिसको बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री भी होता है, बीएससी फिजिकल साइंस विद सीएस होता है, और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इनकी जो कट ऑफ है वो पीसीएम वालों के लिए लीस्ट कट ऑफ रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है बीएससी बायोकेमिस्ट्री, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन भी है आपके पास, और बीएससी पॉलीमर भी एक ही कॉलेज के अंदर है, तो इसका क्या ही कर सकते हैं एक ही कॉलेज में, बट स्टिल इसकी जो कट ऑफ है वो लो रहती है। तो पीसीएम वालों के लिए जो कट ऑफ है लीस्ट रहती है इनकी। बीएससी प्रोग्राम के अगर आपका स्कोर 280 से 380 के बीच में है तो यार आपको जो है बहुत सही कॉलेज मिल सकता है। 280 तक भी आपको डिसेंट ऑफ कैंपस कॉलेजेस, 300 के अराउंड में आपको साउथ कैंपस के बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते हैं बीएससी फिजिकल साइंस के लिए। फिजिकल साइंस में सीएस रहता है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। तो ये तो हो गया यार कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास है जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार जो आपके कॉलेजेस है ना कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। तो यार ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं बीएससी के लिए। सबसे पहला आता है सेंट स्टीफन कॉलेज, जो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर कोई कोटा नहीं लगता एक्सेप्ट क्रिश्चियन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यार 470 प्लस चाहिए अगर जनरल कैटेगरी है। 470 प्लस लास्ट ईयर का डेटा है, इस साल थोड़ा 10-15 का गैप हो सकता है, ठीक है। और अगर क्रिश्चियन से हो तो यार 300 प्लस भी है तो भी इजीली एडमिशन मिलेगा। मिरांडा हाउस के लिए यार 450 मिनिमम स्कोर है, बॉटनी जूलॉजी का ऑब्वियसली ज्यादा होता है इससे, और ये केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए या फिर आपका जो फिजिक्स ऑनर्स के इस तरह के कोर्सेज के लिए इतना स्कोर रहेगा, क्योंकि मिरांडा हाउस आपको बताइए एनआरएफ रैंकिंग 1। हिंदू कॉलेज के लिए बताऊं तो 420 के अराउंड यार केमिस्ट्री ऑनर्स का स्कोर रहा था 600 में से। हिंदू कॉलेज यार फिजिक्स ऑनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। 460 के अराउंड स्कोर है तो फिजिक्स ऑनर्स उम्मीद कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 420 प्लस में केमिस्ट्री ऑनर्स। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस का एसआरसीसी माना जाता है, इसके अंदर भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अगर आपका जो स्कोर है 400 के अराउंड में है, 380 के ब्रैकेट में है, तो भी एडमिशन मिलेगा। बस जो केमिस्ट्री का है ना, बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंसेज से थोड़ा कम रहता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर आप ये तीन कोर्सेज परस्यू करना चाहते हो तो केमिस्ट्री ऑनर्स को भी जरूर रखना ताकि आपको बेटर कॉलेज मिल सके। देन आता है हंसराज कॉलेज। अब ये नहीं है कि हंसराज कॉलेज श्री वेंकटेश्वर से बेकार है, कई बच्चे नॉर्थ कैंपस को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो हंसराज से ऊपर, मतलब श्री वेंकटेश्वर से ऊपर हंसराज को रखेंगे। हंसराज में 2022 का मेरा स्टूडेंट था, उसको 355 में केमिस्ट्री ऑनर्स मिल गया था, अनएक्सपेक्टेडली था क्योंकि यार पहली बार हो रहा था, और 355 में, तो यहाँ पे ना परसेंटाइल का खेल रहता है, अभी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 355 में केमिस्ट्री ऑनर्स में मिल गया था, लास्ट ईयर जो है 390 से आपका 400 के बीच में रहा था, 380 में भी मिला था बच्चों को, तो यहाँ पे हंसराज के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स। रामदास में एडमिशन लेना है तो 310 से 360 के बीच में है, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री ऑनर्स, लाइफ साइंसेज जैसे कोर्सेज के अंदर इतने स्कोर के अंदर नॉर्थ कैंपस डन है।
उसके बाद यार जो आपका गार्गी है, एएनडीसी है, डीडीयूसी है, ये सब जो कॉलेजेस हैं ये आपके टकराते हैं 320, 330, 340 इसके अराउंड में केमिस्ट्री फिजिक्स और बॉटनी के लिए भी यही रहता है 360, 370 हो गया, 365 हो गया, 355 हो गया, इस तरह के जो स्कोर रहता है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। अब बॉटनी ऑनर्स के लिए जैसे गार्गी कॉलेज है तो वहां पे जो स्कोर है वो 390, 400 इस तरह पे टकराएगा। एएनडीसी, डीडीयूसी है उसमें थोड़ा और नीचे आएगा। अब यार कुछ कॉलेजेस है जैसे भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस है, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस है, ये जो है स्पेशली साइंस के लिए है, मतलब कि ऑफ कैंपस के काफी कॉलेजेस से वो बेटर है। उनके फैकल्टी की बात करूं या कॉलेज एनवायरमेंट की बात करूं तो वो बेटर होगा और कॉलेजेस से। इसके अलावा मैंने खुद दयाल सिंह से बीएससी केमिस्ट्री करी है और वहां के जो केमिस्ट्री ऑनर्स के प्रोफेसर थे बहुत ही बढ़िया थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बच्चों को पर्सनली सपोर्ट करते थे। जिसके बारे में प्लेसमेंट का भी अगर मैं आपको आइडिया दूं तो यार जो प्लेसमेंट है ना वो बीएससी के कोर्सेज के अंदर एक्सपेक्ट मत करना। कॉलेज आपका स्टीफंस हो या मिरांडा हो या हिंदू हो, किसी में भी एक्सपेक्ट मत करना। बीएससी फूड टेक हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो, इसलिए ध्यान से सुनो ये बात। जो बीएससी करते हैं मेजरली जो है टीचिंग या फिर इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, बायोलॉजिकल, फूड टेक इंडस्ट्रीज भी होती है उनमें भी जाते हैं। लेकिन जो ये है ना इंडस्ट्रीज मोस्टली बोलती है मास्टर्स के बाद कंसिडर करती है। टीचिंग के लिए आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, उसके बाद अगर आपको प्रोफेसर लाइन में जाना है तो नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद ये आपका यार प्लेसमेंट होती कहां है फिर, तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के अंदर प्लेसमेंट होती है, वो भी जब आपको टॉप नॉच कॉलेज मिले। शहीद सुखदेव कॉलेज में आपको सीएस ऑनर्स मिल रहा है या फिर आपको नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेज में मिल रहा है, तब वहां पे आपको कुछ स्टैटिस्टिक में बीएससी मैथ्स और सीएस के अंदर प्लेसमेंट देखने को मिलती है। बट जो अदर कोर्सेज हैं उनके अंदर यार प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलती। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग परस्यू करते हो तो यार फायदा क्या है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, तो यार फायदा ये है कि अगर आप सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी करते हो ना तो आपको टीचिंग फैकल्टी बहुत बढ़िया मिलती है, आपको सोसाइटीज बहुत बढ़िया मिलती है, क्राउड बहुत अच्छा मिलता है जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़िया होता है। साथ में टीचिंग फैकल्टी अच्छी होती है और सेंट स्टीफन बोलोगे कि यार बीएससी करिए सेंट स्टीफन कॉलेज से, वो अपने आप में अपने ब्रांड वैल्यू है, तो इनकी जो है ब्रांड वैल्यू अपने आप में है। और अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है उनकी भी ब्रांड वैल्यू है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लगता है, डिग्री में कहीं भी नहीं लिखा होता कि कौन से कॉलेज से आपने करा, बेशक आप मिरांडा से हो या फिर बेशक आप दयाल सिंह कॉलेज से हो, कहीं नहीं लिखा होगा कॉलेज का नेम, लिखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसका ब्रांड टैग लग जाता है आप पे। फिर आप मास्टर्स करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स करते हो तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करते हो। तो यार ये था यार प्लेसमेंट का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। इसके अलावा बोलते भैया मेरा तो जो स्कोर है वो 250 से 320 के बीच में बन रहा है, जो मेजरली स्टूडेंट्स का बन रहा है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, टेक्स्ट आया, उनके स्कोर मुझे पता है, तो यहाँ पे 250 से 320 जो है मेजरली स्टूडेंट्स का स्कोर है। तो यार इस स्कोर के अंदर कौन से कॉलेजेस आपको एंटरटेन करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी जिसके अंदर मैत्री कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, इस तरह के तमाम कॉलेजेस आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे, इनको नोट डाउन कर लेना, इन कॉलेजेस में आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यार अब लास्ट में सीयूईटी स्कोर पे आने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि प्रेफरेंस शीट और परसेंटाइल। अब परसेंटाइल क्या है भैया, भाई आपका डिफरेंट सेट्स में हुआ है पेपर, डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो यहां पे डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है तो यार एक जो शिफ्ट है या फिर एक जो आपका सेट है उसका जो आपका स्कोर है वो अगर ज्यादा बन रहा है, मतलब कि एक सेट का जो आपका जो पेपर है वो टफ आया था और दूसरे सेट का अगर इजी आया था जैसे कि 15 तारीख और 29 तारीख को था, तो वहां पे परसेंटाइल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर उस शिफ्ट की जो परसेंटाइल है वो हाई बन रही होगी तो आपको फिर यार ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अगर लो बन रही होगी तो आपको मिरांडा जैसे कॉलेज के अंदर भी लग रहा हो सकता है 450 से कम एडमिशन ले जाए, परसेंटाइल लो बन रही होगी तो। और इस साल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे मार्क्स बताए हैं मेरे को परसेंटाइल लो नजर आ रही है, पेपर टफ आया हुआ था, तो पेपर टफ का मतलब ये है कि आपका जो सीयूईटी स्कोर है वो कम के अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इस बात की मैं शॉर्ट ही नहीं दे रहा हूं बट हाँ एनालिसिस यही कह रहा है। अब यार आ जाते हैं प्रेफरेंस शीट पे, प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाए कि आपको पक्का पक्का कॉलेज मिल जाए, बेशक आपके 350 हो, 250 हो, 280 हो, अगर प्रेफरेंस शीट सही नहीं बनाई तो आपको अगर नॉर्थ कैंपस मिल रहा होगा तो नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। प्रेफरेंस शीट के अंदर मल्टीपल कोर्सेज को रखना होता है, मल्टीपल कॉलेजेस को रखना होता है और एक आइडियल सीक्वेंस में उनको अरेंज करना होता है। और ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस काउंसलिंग निकाल रखी है। अभी तक मैं बच्चों को ये कह रहा था कि भाई मैंने पर्सनल प्रेफरेंस काउंसलिंग में जाकर गूगल फॉर्म जाके भर दो,
लेकिन आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना, क्योंकि मैं खुद बीएससी बैकग्राउंड से हूं और मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कम स्कोर भी है और उसको बेस्ट कॉलेज अगर मिल सकता हो तो उसको बेस्ट कॉलेज मैं दिलवाऊंगा, अगर मिल सकता होगा तो दिलवाऊंगा। ऐसी आइडियल उसकी प्रेफरेंस शीट, हर एक बीएससी के बच्चे की जो प्रेफरेंस शीट है वो आइडियल बनेगी। तो मैं कह रहा हूं आपको एक मिनिमम कोस्ट रखा हुआ है, क्योंकि टाइम लगा के बनाऊंगा, यू नहीं है कि सबको सेम चेक दूंगा, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा कि अगर आपको उस स्कोर के अंदर मिरांडा हाउस मिल रहा होगा ना तो वो मिलके ही रहेगा। तो गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, अभी जाके फिल कर लेना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। अब आ जाता हूं लास्ट में यार, अगर सीयूईटी स्कोर 200 के अराउंड में है तो क्या करें, कई बच्चों का 196 स्कोर है, 198 स्कोर है, 210, 220, 230, 216, 215 इस तरह के काफी है। तो यहां पे यार मैं आपको बता देता हूं जो तीन ऐसे कॉलेजेस और कोर्सेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, कालिंदी कॉलेज ऑफ कैंपस के हैं, अच्छे कॉलेजेस है, बुरे नहीं है। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ये नॉर्थ कैंपस के थोड़ा पास पड़ता है और इसके डायरेक्ट पास बस जाती है, ठीक है, मेट्रो उतनी पास नहीं है इस कॉलेज के, बस जाती है। इस कॉलेज के अंदर आपको बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंसेज में मिल जाएगा एडमिशन अगर 200 के अराउंड में स्कोर है, क्योंकि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाइड लाइफ साइंसेज इसी कॉलेज के अंदर है, तो यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसी कॉलेज के अंदर बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री या सीएस आपको मिल सकता है। श्री अरबिंदो कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, ये दोनों कॉलेज इससे ऊपर है, तो इसके अंदर भी आपको ये सेम बीएससी लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ऑनर्स भी भर देना, बीएससी फिजिकल साइंसेज भी। तो यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं, ये कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर 200 के अराउंड भी आपका स्कोर बन रहा है तो। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शीट का बहुत बड़ा खेल है, अगर प्रेफरेंस शीट गलत बना दी तो ये कॉलेज भी नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना। और अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं लेटेस्ट अपडेट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बैकअप ऑप्शन में भी रखनी है उनकी भी लिंक, डेट, सारी चीज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन, डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर यार उसको ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और यार काफी मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज यार अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एजुकेशन @हर्ष सूरी करके मेरा अकाउंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।